भारत सरकार ने हाल ही में मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को अवैध संगठन घोषित कर दिया है, क्योंकि इस पर जम्मू और कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवादी ऑपरेशनों का समर्थन करने का आरोप लगा है। इस प्रतिबंध को अवैध गतिविधियों निवारण अधिनियम के तहत गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगाया गया है, जिन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को किसी भी तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अपनी एक्स की एक पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मरसद आलम फैक्शन या MLJKMA को UAPA के तहत एक अवैध संघ घोषित किया गया है। इस संगठन और इसके सदस्यों का जम्मू और कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करना और जम्मू और कश्मीर में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट और साफ है कि हमारे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कोई भी कार्य करने वाला बख्शा नहीं जाएगा और कानून के पूरे क्रोध का सामना करेगा, मंत्री ने घोषणा की। आपको बता दें कि MLJKMA को नेतृत्व मसरत आलम भट्ट द्वारा किया जाता है, जो एक आतंकवादी और अलगाववादी नेता है, जो जम्मू और कश्मीर में भारत के खिलाफ हिंसक और दंगई आंदोलन के पीछे का मुख्य कारण रहा था। वह 1990 के दशक में आतंकवाद में शामिल हुआ था और पाकिस्तान के समर्थन वाले एक आतंकवादी संगठन हिज्बुल्लाह का स्थानीय कमांडर था। यह खबर तब सामने आई जब 27 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त और आतंकवादी कार्यों का समर्थन करने वाले संगठन मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम फैक्शन MLJKMA को अवैध घोषित किया। मसरत आलम भट्ट वो व्यक्ति है जिसने साल 1989 में जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हथियारबंद विद्रोह में भाग लिया था। उन्होंने मुश्ताक अहमद भट्ट के साथ मिलकर एक आतंकवादी संगठन हिज्बुल्लाह और एक अलगाववादी संगठन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। वो बाद में सईद अली शाह गिलानी के साथ मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उनके निकट सहयोगी बने। मसरत आलम भट्ट को साल 2010 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के आंदोलन के पीछे का मुख्य षड्यंत्रकारी माना जाता है, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था और जिसके दौरान 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। उन्हें भारत सरकार ने इसके लिए इनाम घोषित करके गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 4 साल से अधिक की सज़ा सुनाई थी। साल 2015 में उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को नीचा दिखाने और पाकिस्तान के झंडे को लहराने के लिए लोगों को उकसाया था। उन्हें अनेक आपराधिक मामलों में फंसाया गया था, जिनमें आतंकवाद, देशद्रोह, दंगा फैलाना, आगजनी, हत्या का प्रयास और अशांति फैलाना शामिल थे। वो अभी भी जेल में है और उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं। इस रोक पर MLJKMA का दावा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ हैं और वो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। वो भारत को एक आक्रमणकारी और जबरन शासन करने वाला देश मानते हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर को अपने कब्जे में लिया है। वो पाकिस्तान को एक दोस्त और सहयोगी मानते हैं, जिसने उनके मुद्दे का समर्थन किया है। वो जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना या पाकिस्तान से मिलने की मांग करते हैं। भारत सरकार ने MLJKMA को एक आतंकवादी और विभाजनकारी संगठन माना है, जिसने जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और विकास को बाधित किया है। भारत सरकार ने कहा कि MLJKMA ने आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिज्बुल्लाह और अल बदर के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हमले, हत्याएं, बम धमाके और अपहरण किए हैं। भारत सरकार ने कहा कि MLJKMA ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भ्रमित, भड़काया और देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया है। माना जा रहा है कि भारत सरकार के इस कदम से
MLJKMA को एक बड़ा झटका लगा है, जिससे उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी और उनके संसाधनों पर नियंत्रण होगा। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी और उनके सहयोगियों को और समर्थकों को डरा और रोका जा सकेगा। इससे जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोगों को विकास और समृद्धि के अवसर मिलेंगे। इस समझौते का स्वागत करते हुए जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये एक बहुत ही ज़रूरी और सही कदम है जो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि वो भारत सरकार का आभारी हैं जिसने इस संगठन को अवैध घोषित किया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के विपरीत काम कर रहा था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो इस तरह के संगठनों से दूर रहें और देश के साथ मिलकर विकास के लिए काम करें। तो आशा है कि आज की जानकारी, जिसमें MLJKMA की स्थापना, मसरत आलम भट्ट का भूमिका, 2010 का पत्थरबाजी आंदोलन और उनकी गिरफ्तारी को शामिल किया गया है, आपको पसंद आई होगी और आपको इस विषय पर नई और रोचक जानकारी मिली होगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।